हाँ तो तोरा ले जो तोरे रखवा सासक रखेगा ये बोल रहा है दामाद इस कर बीवी को ला नहीं सकता है सास को बोल रहा है घर ले जाएगी बताइए उसको शर्माना चाहिए। अभी तक आपने कई हाई वोल्टेज ड्रामा देखा होगा सुना होगा जिसमें पति पत्नी प्रेमिका की जोड़ी रहती है, लेकिन आज भागलपुर के कहचारी चौक पर एक अजीबोगरीब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जिसमें आपस में सास और दामाद ही भिड़ गए। दरअसल पत्नी की घर वापसी की मांग करते करते दामाद सास को ही घर ले जाने की जिद पर अड़ गया। शादी कर ले तर लड़की का एक महीना दो महीना ले जाए का घरों में रखे छे आ बस जकड़ी को वहां जकड़ी ले जाए का ले जाए छन तमा मतलब एक रख बस का बात नहीं छे आज के दिल पर पकड़ी लेलो तो मात बस का बात नहीं छन बताए छिया बस का बात नहीं छन वहां ले जाए छन मां यार बहिन मारी पीटी के भगा दे छे ओकरे पीछे यो भगा दे छे का गोड़ पकड़े क्या बोल रहा है त आज केस कर ले छन परेशान कर दे छे बच्चा छन 6 साल का बेटा आ 10 साल का बेटी आज केस करी दले छियन सब दिन 12 साल से रखे छन हम सबके ऊपर केस करते रहता पूरा आपका गोर पकड़े क्या बोल रहा हां तो अब हमरा बाल बच्चा के हमरा दे दो हमरा जिम्मा हम ले जेबे हम रखबा मैं तो रखबा हां ना तो तोरा ले जवा तोरे रखबा हमरा बाल बच्चा के दे दे ना तो तोरे रखबा हां सासे के रखेगा ये बोल रहा है दामाद अरे जबरदस्ती इसको बाग घिस कर बीवी को ला नहीं सकता है सास को बोल रहा है घर ले जाएगी बताइए उसको शर्माना चाहिए इसलिए बोल रहा है मेरा बीवी के ला दो इसको क्या हुआ लाने में ये इसको बोल रहा है क्यों मार रहा है भाई में लगा दिया हम लोग को क्यों नहीं मारता है ससुराल वाले इसको क्यों मार रहा है बोले हम लोग क्यों नहीं मारता है ससुराल वाले जाते हैं तो इज्जत करता है इसको क्यों मार के भागता है बताइए रखा नहीं खुद नहीं रख पाता है उसको क्या करेगा भगा देगा खुद नहीं रख पाता है। मामला भागलपुर के पीरपैती से है। भागलपुर के पीरपैती की रहने वाली महिला कविता देवी का नाथनगर के रहने वाले पंकज दास से 10 साल पहले शादी हुई थी और शादी के बाद से ही दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा व नोक झोंक का सिलसिला शुरू हो गया। विगत 6 महीने से दोनों अलग रहने लगे। लड़की की मां मानकी देवी ने अपने दामाद पंकज दास पर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही वो मेरी बेटी के साथ दहेज के लिए मारपीट करता है। उसका कहना है जब तक दहेज नहीं दोगे तब तक मैं उसे अपने घर नहीं ले जाऊंगा। वहीं पति पंकज दास का कहना है कि लड़की की मां मेरी पत्नी को ससुराल आने नहीं देती और मेरे 2 बच्चे भी हैं इससे भी बात करने नहीं देती उल्टा मेरे ऊपर प्रताड़ना का केस कर दी है। वहीं सास और दामाद के हाई वोल्टेज ड्रामा को देखने के लिए लोगों की भीड़ घंटों सड़क पर लगी रही। आज ना तो तोरा ले जवा तोरे रखवा हमरा बाल बच्चा के दे दे ना तो तोरे रखवा ये बोल रहा हां सासे के रखेगा ये बोल रहा है दामाद नहीं जाए आने लागे जाए मोबाइल में ले जा अपना परिवार का बेटी सुना नहीं बोला की से अब तोरा हम नहीं चिन्ह जाने हम जरा से बात करे जाने तोरा से हम नहीं चिन्ह जाने आज हमारा सास जाना लगल आज हमरा सास जाना लगल आज कैसे सास जाना लगल कल नहीं चिन्ह थे ना आज आज कोना यहाँ आई लग छिया ता चिन्ह लगल तो हमरा माय छ हमरा सास छ गोर पकड़े छियन अब हमरा परिवार का दा अब हमरा परिवार हमरा बेटी कह चले तो कमाए के लन ले छ मैं कह रहा हूँ सास कमाओ की मेरा हाथ जोड़ जो भी गलती उलती हुआ है मेरा बच्चा बुजुर्ग ला दी है अब आपको जाने देंगे ऐसे नहीं जब तक बच्चा बुजुर्ग नहीं लाएगा तो जाते हैं जब भी आदमी को बदमाश को लगा के मार देता है पूरा समाज जानता है वहाँ तो सासे रखोगे हम ये नहीं करें मेरा बच्चा बुजुर्ग ला दो मेरा मैं इंसाफ चाहिए बस हाँ क्या नाम आपका मेरा पंकज कुमार दास मेरी पत्नी का भाई नाम है सविता देवी वो मेरा शादी होने से दो लगभग 2012 में शादी हुआ है एक लड़का एक लड़की है बच्चे का लड़की का मेरा 9 साल है 5-6 साल का लड़का है बोरा है शुरू से चल रहा है अंत में अब आप क्या चाहते हैं मैं कह रहा हूँ मेरा घर मेरा बिगड़ गया मेरा घर बस बस और कुछ नहीं चाहते हैं मेरा इंसाफ चाहते हैं बस क्या नाम हुआ आपका मेरा पंकज कुमार मेरा नाथ लगन चंपा नगर घर मतलब शादी नानी घर से हुआ था केवल मतलब की
कटिहार की तरफ। ससुराल कहाँ हुआ? ससुराल यहाँ पीरपैती बाखरपुर। जब शादी हुआ था नानी घर से, वहाँ से यहाँ आने नहीं देता था उसका नानी घर। यहाँ से कोई मतलब ना है, यहाँ बदमाशी इलाका है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के जदयू सांसद अजय मंडल का भी एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बालबाला को गोद में बिठाए हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद फिर बालबाला के साथ स्टेज पर ठुमके लगाते नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो घोगा में हुए एक कार्यक्रम का है। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद आम लोगों में काफी चर्चा है कि जब सांसद जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो इस तरह का व्यवहार करेंगे तो समाज का क्या होगा। एक बुजुर्ग माता पिता अपने इकलौते बेटे से परेशान न्याय की गुहार लगाने बबरगंज थाना पहुंचे। मामले को लेकर बुजुर्ग पिता 75 वर्षीय अनिरुद्ध चौधरी ने बताया कि मेरा इकलौता बेटा नीरज चौधरी लगातार शराब के नशे में धुत रहता है। हम दोनों बुजुर्ग प्राणी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देता है। जिस माँ ने बेटे को 9 महीने कोख में पाला और पिता ने उंगली पकड़कर यह सोचकर चलना सिखाया कि बुढ़ापे का सहारा मेरा इकलौता बेटा ही बनेगा, पर उस माता पिता को क्या पता कि शराब के नशे में धुत होकर वही बेटा बुजुर्ग माता पिता को हमेशा प्रताड़ित करेगा। वही मामले को लेकर मानिकपुर नुसरत नगर निवासी बुजुर्ग माता पिता बेटे से बचाने की मांग को लेकर बबरगंज थाना पहुंचे। पिता ने कहा पुलिस प्रशासन ही अब मेरा सहारा है। मानिकपुर मानिकपुर में सूरत नगर बेटा दारू पी मारपीट के हाँ दू दफी जेल हो गया। अच्छा ससुर छुड़वा दिल के सामने मिली के अखनी जब रात भर सुती के निशान आबे सुती जाए बिहाने चल मारा जरा मरना। अभी यहाँ कथी ले लो छुट्टी प्रशासन के दरखास्त देना। अच्छा दरखास्त देना हमरो सहारा तो प्रशासन 112 फोन करता करता सुनता नहीं जी काठ लगाइए केस के जे दारू पी करेज मार हमरा बेटा कौन बेटा का नंबर एक नंबर एक के बेटा केटा बेटा छ के का मारपीट करे छे हे बे में मार के। अब बेटी के छे केस नहीं करो फल्ला नहीं करो हमरा बेटी देखे ना बे छे बचा दे दूध आ पी गेले लगातार बेटा तोरा साथ परेशानी करे ना। हाँ, लगातार हाँ, लगातार दारू पीबी का नीरज चौधरी तोरो के नाम छको बाबा अनिरुद्ध चौधरी 75 साल एज हमरो घर कहाँ छे मणिपुर सूरत नगर खाली मारपीट नहीं करियो ओकरा चलन तक नहीं तो थाना करतो ना लेकिन मारपीट पर बेटा कमावे नहीं छौ कुछ नहीं तो दारू कहाँ से पी छौ दारू नहीं पीना चाहे दारू दारू नशा पीबी कहनो कर दारू पीबी नहीं दारू पीबी नहीं कर दूध आप दारू पीबी रात रात के भांग खा के नशा की खा के आबे छे सुती जाए बिहान के होय छे सब कुछ करे छे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को नशा मुक्त बिहार स्वस्थ बिहार और बढ़ता बिहार बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इसी बाबत आज भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा इन सभी विषयों को लोगों के बीच बताने और जागरूक करने के लिए भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों युवा युवतियों ने भाग लिया और इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाले युवाओं को प्रथम पुरस्कार 5,000 द्वितीय पुरस्कार 3,000 और तृतीय पुरस्कार 2,000 देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अलावे कई पदाधिकारी व सैकड़ों युवा युवती उपस्थित हैं। देखिए दूसरा वर्ष है, पिछले साल भी हम लोगों ने मैराथन जो है वो आयोजित किया था अंडर 16 और एबव 16 लड़के लड़कियों का,
विभिन्न वर्गों में, और अच्छी जो है पुरस्कार की राशि भी है। प्रथम प्राइज 5,000 है, द्वितीय तृतीय और सांत्वना भी जो है वो 7 जो प्रतिभागी हैं उनको मिलेगा। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने विभिन्न संस्थानों से बात करके, जैसे NTPC, SBI एवं अन्य कई संस्थानों से बात करके बच्चों को टी शर्ट भी उपलब्ध कराया है, उनके लिए स्नैक्स की भी व्यवस्था है। तो काफ़ी उत्साह है बच्चों में और बढ़िया जो है माहौल है, अच्छे से आयोजन हो रहा है। और जो भी बच्चे पुरस्कृत होंगे उनको आज ही राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। और सभी लोगों से इस अभियान के माध्यम से अपील भी है कि किसी भी तरह का नशा, चाहे वो शराब हो या किसी अन्य प्रकार का नशा हो, उसको बिल्कुल अवॉइड करें, और ख़ास करके युवाओं से। ये आपके जीवन को बर्बाद कर देता है, आपके परिवार को बर्बाद कर देता है। 26 तारीख को नशा मुक्ति दिवस भी है और इसी के लिए आज ये इस ज़िले में दौड़ का आयोजन किया गया है, बेसिकली युवाओं को जागरूक करने के लिए और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं इस सफल आयोजन के लिए पूरे जिला प्रशासन के जितने भी पदाधिकारी लगे हुए हैं सबको धन्यवाद देता हूँ और जितने भी प्रतिभागी आए हैं। टेक्स पेयर्स हब के लिए 3 दिवसीय भव्य आयोजन भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 24 से 26 नवंबर तक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुंगेर योगाश्रम की स्वामी विश्वध्यानम सरस्वती और विशिष्ट अतिथि के रूप में आयकर महानिदेशक पटना के राहुल करण उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के बीच मेला में कई स्टॉल लगाए जाएंगे, साथ ही बच्चों के लिए क्विज, चित्रांकन, गीत संगीत, नाटक की भी प्रतियोगिता की जाएगी। साथ ही साथ संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। जानकारी भागलपुर की प्रधान आयकर आयुक्त निखिल चौधरी ने दी। जी हाँ, ये नया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। पहले ये हब्स जो हैं ये कोई बड़े बड़े जो ट्रेड फेयर्स होते थे या बुक फेयर्स होते थे उनमें किए जाते थे। अब सरकार बाहर निकल करके छोटे शहरों में भी इसका आयोजन कर रही है। इसकी टैक्स पेयर अवेयरनेस बढ़ाने का कारण है। हम चाहते हैं कि लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, अपने राइट्स के बारे में जानें, और जानकारी ही सबसे बड़ी रास्ता है जिससे कि लोग जो है टैक्स पेयर कंप्लायंस करें और नेशन बिल्डिंग के प्रति अपना हाथ बढ़ाएं। मतलब कर चोर आप ना बने, आप बेहतर तरीके से टैक्स पे। बिल्कुल,